राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ अब नेताओं की तरह बयानबाजी करने लगे हैं। वो साफ साफ अब नेताओं की जुबान बोलते हैं। अखिलेश यादव को ललकारते हुए उन्होंने कहा, हम यादव हैं, चमचे नहीं। खैर, ये चुनावी जंग तो अभी उठने में टाइम है, लेकिन आपको बता दें कि निरहुआ के सपोर्ट में भाई उनके परिवार वाले बड़े जोर शोर से खड़े हैं। बताया जा रहा है निरहुआ के इस फैसले से कि जो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, उस फैसले से निरहुआ के घर में काफी खुशी का माहौल है। साथ ही साथ निरहुआ के गाँव के लोग भी इस बात से बहुत खुश है कि निरहुआ अब आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन इन सब में निरहुआ का सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर खड़ी हुई है उनकी पत्नी। जी हाँ, निरहुआ की पत्नी इस बात से बहुत, उनके पति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ निरहुआ ने बताया कि परिवार के लोगों में बहुत खुशी है और मेरे इस फैसले का उन्होंने खुलकर सम्मान किया है। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ अपने परिवार की सहमति से ही अपने हर कार्य की शुरुआत करते हैं, तो लेकिन जब लाइफ में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब भी निरहुआ ने अपने परिवार से सहमति लेना जरूरी समझा और अपने बड़े बूढ़ों से इस बात का परामर्श करके ही वो चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के खिलाफ उतरने जा रहे हैं। आपको बता दें कि निरहुआ की पत्नी इसके लिए अपने पति की पुरजोर तारीफ कर रही हैं और निरहुआ की पत्नी ये कामना कर रही हैं कि जिस तरह से उनका पति भोजपुरी इंडस्ट्री में आज सफलतापूर्वक राज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह चुनावी मैदान में भी वो उतरे और उसी तरह से अपना पंचम लहराए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।